केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर 6। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि इन जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल के अंदर। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। और आज का लेक्चर जो ज़्यादा फोकस रखेगा वो बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर होगा, बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहले तो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं कि बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं। बाइंडिंग बाइंड से निकला है, ठीक है। बाइंड का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है, टू स्टिक टुगेदर, मतलब दो चीज़ों का आपस में जोड़ना, बाइंड हो जाना, ठीक है। अब वैसे तो जो फिजिकल साइंसेस होती है ना, लाइक आप फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स के अंदर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब कुछ और होता है। फिजिक्स के अंदर जब आप बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हो ना, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कहूँ कि वैसे आपसे लेट से मैं चीज़ डिस्कस करता हूँ, वैसे आप ये पढ़ोगे अपने कोर्स के अंदर कि आपके पास एक प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका वजन है 1 kg, 1 kg और एक न्यूट्रॉन का 1.5 kg ईच, ठीक है। वैसे जस्ट इसको एज्यूम करो आप, ठीक है। मैं आपको जो चीज़ कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ आप उस पर फोकस रखो, इसका एक्चुअल मैस ये नहीं होता। अगर इन चार पार्टिकल से मिलके अगर किसी एटम का न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है किसी एटम का जिसके अंदर दो प्रोटॉन्स हैं, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस का जो टोटल मास होगा वो कितना होगा? सिर्फ न्यूक्लियस के मास की बात कर रहा हूँ मैं, कितना होना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 kg, 5 kg होना चाहिए। क्या समझते हो आप, 5 kg ही होगा क्या? एक्चुअली अगर रियलिटी में देखा जाए तो 5 kg नहीं होता, ऑल्दो इनके मैसेज इतने ही होंगे, लेकिन जिस तरह आप नॉर्मली करते हो कि आप टोटल मैसेज को ऐड कर देते हो और आपके पास ओवरऑल मैस आ जाता है, ऐसे एटॉमिक स्टेट में ऐसे नहीं होता। होता यह है कि जब ये प्रोटॉन्स आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे तो ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके दरमियान फोर्सेस क्रिएट होंगी और इनके दरमियान एनर्जीज अराइज होंगी। वो एनर्जीज कहाँ से आएंगी, आप क्या समझते हो? वो एनर्जीज क्या एनर्जी इटसेल्फ तो नहीं क्रिएट हो जाएगी ना, वो कोई ना कोई दूसरी फॉर्म से कन्वर्ट तो हो सकती है लेकिन एनर्जी इटसेल्फ क्रिएट तो नहीं हो सकती ना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड इटसेल्फ, ठीक है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि वो जो एनर्जी है वो बेसिकली किसी और सोर्स से आएगी, और वो सोर्स क्या होगा? वो सोर्स ये होगा, मैस। आपका जो मैस है ना, ये जो टोटल मैस था आपका कितना था? 5 kg। इस 5 kg का कुछ हिस्सा, लेट से 0.1 kg जो है, वो किस चीज में चेंज हो जाएगा? वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और वो एनर्जी जो है वो इन चारों पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करेगी, ठीक है, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। या आप अपने फिजिक्स के अंदर डिटेल में इसके ट्रेंड्स भी पढ़ोगे, प्रोडक्ट टेबल में बाइंडिंग एनर्जीज कैसे चेंज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी बताई, अब वैसे अगर मैं आपको जैसे मैंने समझाया ना कि 0.1 kg जो है वो चेंज हो जाएगा एनर्जी के अंदर, तो जो रिमेनिंग मास होगा वो आपके न्यूक्लियस का मास होगा, और न्यूक्लियस के मास पर कितना रह जाएगा आपके पास? 4.9 kg, ठीक है। तो जो आपका एक्चुअल सम ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास होता है ना, आपके न्यूक्लियस का मास हमेशा उससे कम होता है, और कुछ ना कुछ मास हमेशा चेंज हो जाता है एनर्जी के अंदर, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जो आपकी बुक के अंदर कंसेप्ट लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी का, वो ये वाला नहीं है। मैं आपको एक दफा फिर से क्लियर कर दूं, वो ये वाला कंसेप्ट नहीं है, वो एक टोटली डिफरेंट चीज है, ठीक है। वो जो टोटली डिफरेंट चीज है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उसका एक्चुअल नाम बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बल्कि आपकी बुक में उसने जिस चीज को बाइंडिंग एनर्जी कहा हुआ है वो बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बल्कि वो एंथैल्पी
ऑफ एटोमाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी किसको कहते हैं? एंथैल्पी हीट लॉसेस, हीट के लिए एंथैल्पी की टर्म यूज होती है, ठीक है। वैसे तो एंथैल्पी को अगर आप डिटेल में देखो तो वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन पी वी के बराबर होता है, यू प्लस पी वी के बराबर होती है किसी भी चीज़ की एंथैल्पी अगर आप स्टैटिक स्टेट में बात करते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे हीट लॉसेस की या एनर्जी की बात करें, आप इसको एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन कह लो, ठीक है। ये जो एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन है ये क्या होती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास एक पूरा मेटल का स्ट्रक्चर है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, लेट्स से आपके पास इतना सा एक मेटल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये 2D नहीं होगा, ये 3D में होगा। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एक और भी लेयर है, ये जहाँ जहाँ पे खाली स्पेसेस है ना, यहाँ पे ऊपर मजीद इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ, एटम्स फिट हुए हुए हैं बीच में, ठीक है। तो ये कोई मेटल का स्ट्रक्चर है। और लेट से हम ये बैटरी की बात करते हैं, ये आपके पास सोडियम मेटल है, ठीक है। अब होता ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सारे के सारे बॉन्ड्स को तोड़ दो, सब के सब बॉन्ड्स को तोड़ दो, ठीक है, यानी इन सारे एटम्स को सेपरेट कर दो, हर एटम को अलग अलग कर दो यूं, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट में, और इनके दरमियान की सारी जो बॉन्डिंग की फोर्सेस हैं वो खत्म कर दो। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और ये एंथैल्पी, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो एनर्जी होती है जो एक मोल ऑफ अ सब्सटेंस, क्योंकि ये पर मोल हम लोग काउंट करते हैं, अगर किसी सब्सटेंस का एक मोल हो, फॉर एग्जांपल सोडियम का मास कितना है, सोडियम का मोलर मास होता है आपके पास 23 kg, ठीक है। तो अगर आप सॉरी आपके मोलर मैसेज केजी में नहीं होते, आपके मोलर मैसेज होते हैं ग्राम्स के अंदर। तो ये आपके पास सोडियम का मास कितना हो गया, लेट्स से 23 grams। अब 23 grams सोडियम को अगर आप आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स के अंदर अगर चेंज कर दो, अगर आप सारों को एटम्स बना दो और इन दरमियान से सारी इनकी जो फोर्सेस हैं इनको खत्म कर दो, तो आपको जो टोटल एनर्जी देनी पड़ेगी वो इस सोडियम की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी, ठीक है। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एटमाइजेशन, ठीक है, और एंथैल्पी के लिए ई, ठीक है। ये आपका, इससे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, और ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव होती है, यानी हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। कभी भी एनर्जी लूज नहीं होगी जब आप इस सारे बॉन्ड्स को तोड़ोगे, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी सब्सटेंस को, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये आपका जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, ट्रांजिशन मेटल्स का चैप्टर है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास सब के सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और ऑफ कोर्स ये जो जैसे मैंने आपको सोडियम को बताया था, ये तो सारे मेटेलिक बॉन्ड ही थे ना, इस तरह हर एलिमेंट का आपको मेटेलिक बॉन्ड जब तोड़ोगे आप टोटली, एक पूरा जाउल आप सेपरेट कर दोगे, पूरा एक मोल, तो आपके पास जो आएंगी वो एनर्जीज ऑफ एटमाइजेशन होंगी। अब हम देखते हैं एनर्जीज ऑफ एटमाइजेशन का ग्रुप डी के अंदर और ग्रुप एफ के अंदर, ग्रुप कह रहा हूँ पीरियड डी और एफ के जो ब्लॉक्स हैं इनके अंदर क्या ट्रेंड होता है। सबसे पहले तो आपको मैं अगेन रिवाइज करवाना चाहूँगा, ये जो आपके पास ये क्या शो किया मैंने, ये भी आपको मैंने 3D शो किया, थर्ड का डी, ठीक है, यानी बेसिकली थर्ड क्वांटम नंबर, ठीक है, और डी उसका ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास सबसे पहले 21 जब था तो एक इलेक्ट्रॉन आया था, मैंने आपको लास्ट टाइम डिटेल में बताया था कि जब दूसरा आएगा तो आप इसको होम्स रूल के मुताबिक सेकंड उसमें रखोगे, फिर थर्ड आएगा यहाँ पे रखोगे, फिर फोर्थ जब आएगा यहाँ पे तो एक 4s से उठ के दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। उसकी रीजन मैं आपको बताई थी कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किस वजह से होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आपकी हाफ फिलिंग पे होती है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से
क्रोमियम एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, ठीक है, अगर हाफ फिल डी ऑर्बिटल हो जाए, डी ऑर्बिटल हाफ फिल तब होगा जब सब में एक एक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखो सब में एक एक है, जो एक और आया वो यहाँ पे नहीं गया बल्कि वो 4s में चला गया, बिकॉज ये जब तक हाफ फिल्ड रहेगा उतना मैंगनीज भी स्टेबल रहेगा। देन उसके बाद आपके पास आयरन है, वो एक और यहाँ पे ऑपोजिट स्पिन के साथ पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक, फिर यहाँ पे आपके पास और आते रहे। इसी तरह जब आपके पास फुल्ली फिल्ड हो जाएगा डी, तब भी आपके पास मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी, और जब वो एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो डी के बाद एस में जाएगा, बिकॉज एस ही में एक वैकेंसी खाली थी। ये तो आपके पास थे जनरल ट्रेंड्स के, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे इन एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है आपके पास एनर्जीज ऑफ एटमाइजेशन के साथ, ठीक है। एनर्जीज ऑफ एटमाइजेशन जो हैं, अगर आप टॉप टू बॉटम, अगर आप लेफ्ट से राइट पे देखो, आप ग्रुप थ्री के जो एलिमेंट की बात कर रहे हो, ये आपके पास ग्रुप नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर, ग्रुप फाइव, ग्रुप सिक्स। ग्रुप नंबर का मतलब है कि ये मखसूस पीरियड्स की बात हो रही है, ठीक है। ये आपके पास जो दरमियान वाली लाइन है ये पीरियड नंबर फाइव है, ये आपके पास जो बॉटम वाली लाइन है ये पीरियड नंबर फोर है, जो टॉप वाली लाइन है ये आपके पास पीरियड नंबर सिक्स है, ठीक है। अब जब आप एक ही पीरियड में लेफ्ट से राइट साइड पे आते हो, ठीक है, ये लेट से मैं फोर्थ पीरियड की बात करता हूँ, फोर्थ पीरियड में क्या होते हैं, 3D शेल होता है, ठीक है। तो 3D के साथ हम इसको कंपेयर भी करते जाते हैं। सबसे पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये जो आ रहा है, ये आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं? वैसे तो जब आप मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करते हो ना, मेटेलिक बॉन्ड, तो उसमें आपके सिर्फ नॉर्मल जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें तो एस और पी शेल के जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो आपके उसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब आप ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हो, तो इसमें जो डी के इलेक्ट्रॉन्स है ना, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने आपके डी ऑर्बिटल के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, उतना आपका मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रांग होगा और उतनी आपकी एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी। तो ये तो बात क्लियर है, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वनेडियम, ये इस ग्राफ की बात कर रहे हैं हम लोग, कि आप जब नीचे से ऊपर जा रहे हो, ये फर्स्ट आपके पास है स्कैंडियम, देन आपके पास टाइटेनियम, एंड देन आपके पास वनेडियम, ठीक है। अब वनेडियम पे जब आप पहुंचे हो ना, वनेडियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास, वनेडियम के बाद आपके पास कौन सा होता है, क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम पे जब आप आ रहे हो, तो यहां पे आप जरा देखो कि क्रोमियम का ग्राफ आ गया है नीचे, हालांकि यहां पे अगर आप आके देखो, क्रोमियम में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे इस लाइन के अंदर। आप देखो क्रोमियम में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्रोमियम और मैंगनीज वो दो एलिमेंट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट एट द सेम टाइम इनकी, ये क्रोमियम सी आर, और फिर ये जो पॉइंट है ये आपको मैंगनीज शो कर रहा है। मैंगनीज और क्रोमियम की आपके पास इतनी कम एटमाइजेशन की एनर्जीज क्यों है, इसकी आप वजह बता सकते हो? इसकी वजह ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास क्रोमियम और मैंगनीज हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। वो कोई चीज स्टेबल कब होती है, जब वो सारी की सारी अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है, ठीक है, या अपने वो बहुत ही लो एनर्जी स्टेट के अंदर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई चीज स्टेबल कब होती है, स्टेबल होने का मतलब होता है लो एनर्जी स्टेट के अंदर होना, ठीक है। और एक और कंसेप्ट आपको ये भी पता होगा कि जब आप कहते हो ना कि कोई अनस्टेबल है, कोई ऐसा एलिमेंट है या कोई ऐसा आइसोटोप है या कंपाउंड है या आयन है, जो भी है, अनस्टेबल है, इसका मतलब यह होता है कि वो बहुत ही हाई एनर्जी स्टेट के अंदर होता है, ठीक है, वो बहुत हाई एनर्जी स्टेट के अंदर होता है। तो जब आपके ज्यादा स्टेबल हैं ये वाले दो एलिमेंट्स, तो ये बहुत ही लो एनर्जी स्टेट के अंदर होते हैं, मतलब ये अपनी सारी एनर्जी को रिलीज कर चुके होते हैं। उस एनर्जी को रिलीज करने की वजह से इनकी अपनी एनर्जी जो होती है, जो आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनकी, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि इनकी जो अपनी एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन है वो कम हो जाएंगी इस वजह से, बिकॉज आप वैसे क्या कर रहे हो, हर एलिमेंट में आप कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आप इसको एनर्जी सप्लाई करोगे, तो इससे सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। बट अगर ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है ये वाला जो सब्सटेंस है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये कुछ एनर्जी रिलीज भी करेगा, ठीक है। तो इसकी जो अपनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी।
इसके अलावा स्टेबलाइजेशन के अलावा इनके अंदर डी के अंदर भी डी डी ट्रांजिशंस हो रही होती हैं, डी के अंदर आपके पास मुख्तलिफ वो भी होते हैं, एनर्जी लेवल्स फर्दर स्प्लिट हुए हुए होते हैं, ये मैं आपको जब कलर्स वगैरह पढ़ाऊंगा उसके अंदर भी बताऊंगा। तो कम्प्लेक्स, ये जो कम्प्लेक्स कह रहा हूँ, ये जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके नॉर्मली जो ट्रेंड्स होते हैं ना वो हमेशा कुछ इस टाइप के होते हैं कि आपके पास इस मैंगनीज की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, और आप सिर्फ इतना याद रख लो कि इसका ताल्लुक उसकी स्टेबिलिटी के साथ होता है और उसके स्ट्रक्चर के साथ होता है। ठीक है, तो ये जो आपको ग्राफ्स नजर आ रहे हैं इसमें अगेन आप इसको लिंक कर सकते हो कि जितना आप राइट साइड पे आते जाओगे, राइट साइड पे आपके पास जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो रिड्यूस होते जा रहे होते हैं, ये पूरा पीरियड है ना, जितना आप राइट साइड पे आते जा रहे हो आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, और इसी तरह आपके पास जो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन भी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन को मैं अगेन आपको एक चीज बता दूं, ये जो एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, ये जो आप देख रहे हो, ये आपके किस चीज को शो कर रही होती है, ये आपके मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को शो कर रही होती है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिक्टेट कर रही होती है। ठीक है, ये बहुत ही वैलिड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ग्रुप नंबर, अभी हम लोगों ने बात की ना डी शेल के अंदर, डी शेल्स के अंदर तो अमूमन यूं होता है कि आपके ग्राफ्स यूं ऊपर जाते हैं, हल्के से नीचे आते हैं एंड देन ऊपर जाके फिर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मली आपके पास होता है, जो पीरियड नंबर आपके पास 3 और 4 डी के जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनमें यूं होता है। जब आप आ जाते हो एफ शेल के अंदर, एफ के अंदर, ठीक है, F के अंदर ट्रेंड्स टोटली चेंज हो जाते हैं। ये जो आपका है ना, ये जो ग्राफ है, ये आपका F यानी जो कि आपके पास क्या होते हैं, लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये जो ग्राफ है ये लेंथनाइड्स का, इसके अंदर दो किस्म के ग्राफ्स आपको शो हो रहे हैं। ये जो ऊपर वाला ग्राफ, सॉरी, ये जो आपको ऊपर वाला ग्राफ नजर आ रहा है ना, ये जो ग्राफ है ये आपका थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये जो आपको नीचे वाला ग्राफ नजर आ रहा है ये आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, ठीक है, या इसको आप अगर अपने बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, अगर आप देखो यहां पे जब आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिथियम की मैक्सिमम है, लेंथनम की सॉरी, तो उस वक्त आपकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी मिनिमम है। जो जो इसकी रिड्यूस होती जा रही है, आप एक ग्रुप में जब आप आगे जाते जा रहे हो तो आपकी एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। हालांकि आपके जहन में ये तो नहीं आ रहा कि एफ में भी सबसे पहले एक जाएगा, फिर उसके बाद दो जाएंगे, फिर उसके बाद तीसरे में तीसरा चला जाएगा, नहीं, एफ शेल के अंदर मजीद कम्प्लेक्स सिस्टम्स हो रहे होते हैं, उसके अंदर इतना सिंपली यू नहीं जा रहे होते, उसके अंदर फिर आपके पास एक वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला केस होता है, फिर टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, फिर थ्री पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, और इस तरह आपके पास पेयरिंग हो रही होती है विद इन एफ शेल्स। ठीक है, विद इन एफ शेल, एफ ऑर्बिटल आपके पास पेयरिंग हो रही होती है, उसकी वजह से टोटली आपके पास चेंज हो जाता है ट्रेंड। बट फिलहाल आप सिर्फ इस ग्राफ को एनालाइज करो कि आपका जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जब ये यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम आ रहा है या आपके पास मिनिमम आ रहा है, फिर आपके पास ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ग्राफ आपके पास नीचे की तरफ आ रहा है, आपका जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो किस चीज को डिक्टेट कर रहा होता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था कि आप दो इलेक्ट्रॉन्स, देखो जब आप पीरियड की बात कर रहे हो ना, लेट से आप फिफ्थ पीरियड की बात कर रहे हो, फिफ्थ पीरियड में क्या होता है आपके पास, फिफ्थ पीरियड में आपके पास लेंथनाइड्स होते हैं, नो सॉरी, आपके पास सिक्स पीरियड में लेंथनाइड्स होते हैं। जैसे मैं पीरियड नंबर 6 की बात करूं, पीरियड नंबर 6 का जो 6s होगा उसमें सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उसके बाद 6s के बाद पहले क्या 4f फिल होगा या 3d फिल होगा, पहले 4f फिल होगा, फिर उसके बाद 3d फिल होगा, और फिर उसके बाद 6p फिल होगा। ठीक है, ये एनर्जीज वाइज आप देख लो, इनकी एनर्जीज इन लाइन है, 6s की एनर्जी होती है 6, 4f की एनर्जी होती है 4+spdf, इसकी 3 हो गया तो 4+3 7, 3d की आपके पास क्या होती है spd, 3+2 5, और 6p की आपके पास क्या होती है 6+1 7। ये तो आपके पास ट्रेंड गलत नहीं हो गया, पहले 6 एनर्जी, फिर 7, फिर 7 के बाद 5 पे कैसे आ गया, ये एक्चुअली एक मिस्टेक हो गई है मेरे से, ये 3d नहीं होगा, ये आपको यहाँ पे 5d होगा, बिकॉज आपका 3d जो होता है वो तो फोर्थ शेल में होता है। ये आपको कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा, 3d का मेरा मतलब है
यानी फोर्थ शेल के अंदर सबसे पहले आपके पास डी ऑर्बिटल वाली लाइन आती है, तो वो बेसिकली 3D की लाइन होती है। फिफ्थ पीरियड के अंदर आपके पास दूसरी लाइन आती है डी की, वो आपके पास 4D की लाइन होती है। सिक्स्थ पीरियड के अंदर आपके पास तीसरी डी की लाइन होती है, वो आपकी 5D की लाइन होती है। और इसकी एनर्जी आपके पास कितनी होती है, 5D, सॉरी ये 5D होगा, और इसकी एनर्जी आपके पास कितनी होगी, 5D, और इसकी एनर्जी आपके पास होगी 7। तो आप देखो ऑफ पॉप प्रिंसिपल के मुताबिक ये ऊपर की तरफ एनर्जीज जा रही हैं और इससे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। 6s में जब दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उसके बाद फिर 4f फिल होना शुरू होगा। 4f में आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, फिर उसके बाद d में जाएंगे और उसके बाद p में जाएंगे। आपकी d टू p और f टू d और f टू p आपके पास ना, और f टू f और d टू d आपके पास ट्रांजिशन हो रही होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में चेंज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से आपके पास स्ट्रेंथ्स टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। आपकी जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, इस बात का मतलब ये है कि आप 6s2 वाले दो इलेक्ट्रॉन्स और इस f का एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करो तो उसमें जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो ये आपके पास लिखी हुई है यहाँ पे। वो जो एनर्जी होगी वो ऑपोजिट होगी इस चीज के कि मेटेलिक बॉन्ड आपका कितना स्ट्रांग है, ठीक है। ये एक कंसेप्चुअल चीज है जो कि आपको मैं बता देता हूं कि जो आपका मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली रिलेटेड टू आपके पास थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड जितना आपके पास स्ट्रांग होगा आपकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है उतनी कम होगी, ठीक है। ये मेटेलिक बॉन्ड तो आपके डी शेल्स के उनको शो कर रहे होते हैं, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एफ, ये जो आपका रिमूव होगा तो उसमें जो आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा था वो सिंपली ये ग्राफ्स थे, और आपको आइडिया होना चाहिए कि एफ में क्या हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर आप देखो ये आपके पास पूरा का पूरा ग्रुप है, अब ग्रुप नंबर 6, सॉरी पीरियड नंबर 6, और ये आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन है, ठीक है। अगर आप देखो सबसे पहले आपके पास एंथैल्पीज इंक्रीज हो रही है, और फिर ये आपके पास F आ गया है। F में आपके पास पहले रिड्यूस होती हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है जब आपका हाफ फिल्ड होता है, फिर उसके बाद अगेन आपके पास राइज होती हैं, और फिर आपके पास डिक्रीज होती हैं, ठीक है। D के अंदर इन पर्टिकुलर आपको मैं ट्रेंड दिखा चुका हूँ, पहले आपके पास एनर्जीज इंक्रीज होती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मैंगनीज इस पर आप बना आते हो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हल्की सी इंक्रीज होती है और फिर आपके पास रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके डी एफ और डी ये आपका सिक्स पीरियड है जिसमें एफ भी होता है और डी भी होता है, तो उन दोनों का ट्रेंड इकट्ठा आपको इस ग्राफ में शो हो रहा है, ठीक है। सो ये तो था कि एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन क्या होती हैं और वो ग्रुप्स के अंदर कैसे चेंज होती हैं, ठीक है। और इसका ताल्लुक सारा का सारा किस चीज से होता है, मैं रिपीट कर देता हूं, इसका ताल्लुक आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और स्टेबिलिटी के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, और हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स किन चीजों पे डिपेंड करते हैं और उनके क्या ट्रेंड्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है।